Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IS YouTube channel, and today we are going to cover important current affairs of Haryana State first and second week of March, right? So these current affairs are very important for your exams like Haryana State Civil Services as well as other Haryana uh, uh, exams, right? So uh, let's begin with the.

दिस मीटिंग वॉज हेल्ड एंड इन दैट मीटिंग दिस वॉज डिसाइडेड कि सेवरल प्रोजेक्ट्स जो हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर पोस्ट जो है दैट विल भी सेटअप एज वेल एज आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट जो है इसको अप्रूवल मिल गया है अपकमिंग डेज के अंदर इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा एंड दैट टू इन द प्रोटेक्टेड एरिया एज वेल एज इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज राइट सो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आपके लिए सीधा सवाल पूछा जा सकता है इट इज इन द इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है इन द पंचकूला राइट चलो नाउ इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आयुर्वेदा इट विल कंस्ट्रक्टेड इन द एरिया ऑफ एट पॉइंट जीरो फोर करोड़ इन श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड प्रेमाइस इन द पंचकुला ठीक है अब आ, ये जो इंस्टीट्यूट है इसको पंचकुला में तो लाया जा रहा है लेकिन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बहुत ही प्रोएक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है एंड द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग सच काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स राइट एंड ऑल्सो लोगों को एक तो पहली चीज़ है कि कन्जरवेश कंजर्वेशन uh, करना है मेडिसिनल प्लांट्स का बट साथ ही साथ पीपल uh, एंड जो नेचर uh, है उसको कनेक्ट और ज़्यादा उसका जो रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करना ठीक है सो कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स ऑब्वियसली इसका एक ऑब्जेक्टिव है बट ऑल्सो इन कनेक्टिंग द पब्लिक विद द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर ये भी uh, इसका uh, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को uh, सेटअप करने राइट right? चलिए uh, इसके अलावा वी टॉक अबाउट आयुर्वेदा आयुर्वेदा होगा सुश्रुता के बारे में चरका के बारे में राइट दे आर कंसिडर टू बी मेन टीचर ऑफ आयुर्वेदा ठीक है चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयुष राइट हमने बात की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की है ना तो आयुष है क्या एग्जैक्टली exactly? <coughs> So, uh, it is basically the traditional and non conventional system of healthcare and healing. ठीक है सो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको फुल फ्लेज जो भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड उसका फुल फ्लेज आपको सोल्यूशन इस इस सिस्टम के थ्रू मिलता है इस सिस्टम के अंदर वी टॉक अबाउट द आयुर्वेदा आयुर्वेदा है फिर हम लोग बात करते हैं योगा की नेचुरोपैथी की यूनानी की सिद्धा सोवा रिक्बा एंड होम्योपैथी और बहुत सारे इसके अंदर और भी कॉम्पोनेंट्स आते हैं राइट सो so, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दैट इज़ प्रमोटिंग दिस सिस्टम ठीक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि ये इंडिया के अंदर ये बहुत ही यूनिक चीज है वी दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिप्लोमेसी गवर्नमेंट कर रही है सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं उस डिप्लोमेसी में आयुष बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो बाहर के लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं जैसे ये जो कंट्रीज़ होती हैं वी कॉल इट एज़ सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं ठीक है मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं दे प्रेफर कि हम लोग जो अपना इलाज करा रहे हैं वो इंडिया से कराएं क्योंकि वहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिवली आपको बहुत सस्ता इलाज मिल जाता है हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा काफ़ी चीप है राइट right? और इनफैक्ट यू गेट दिस सिस्टम ऑल्सो ये वाला सिस्टम भी आपको मिल जाता है इसके पॉजिटिव फीचर क्या है पॉजिटिव फीचर ऑफ दिस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नेमली दैट दे आर डाइवर्स आपको डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शन मिल जाते हैं डाइवर्सिटी मिल जाती है फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है यू गेट द एक्सेसिबिलिटी आल्सो अफोर्डेबिलिटी भी मिल जाती है इतना महंगा नहीं होता इनका इलाज राइट उसके बाद ब्रॉड एक्सेप्टेंस बाय द लास्ट सेक्शन ऑफ द जनरल पब्लिक आपको पता है आपको पता है आप आपके सामने आएगा अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है या ऐसी बीमारी जिस जो यू नो एक दो दिन के अंदर मेडिसिन खानी है तो पीपल वुड प्रेफर कि हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन खा लें रादर देन टेकिंग सम अदर ड्रग्स और वॉट द स्टेरॉइड्स और वॉट ताकि हील जो है वो जल्दी हो जाए पीपल वुड प्रेफर की लेट्स टेक अ आयुर्वेदिक प्रोसेस है ना तो यहां पे एक्सेप्टेबिलिटी भी है आयुर्वेदिक की यूनानी की योगा की इन सारी चीजों की एंड दे आर ऑब्वियसली कंपेरेटिवली लेस कॉस्ट लेसर कॉस्ट है इकोनॉमिक वैल्यू भी इनकी बढ़ती जा रही है एंड दे हैव अ ग्रेट पोटेंशियल टू मेक देम प्रोवाइडर्स ऑफ हेल्थ केयर दैट द लास्ट सेक्शन ऑफ आर पीपल नीड राइट तो इसी को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर रही है आयुष को और इसी प्रोसेस के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर या उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है इन डी पंचकुला हरियाणा राइट इसके अंदर एक चीज़ और भी है ये थोड़ा सा रीसेंट पास्ट का ही है तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ दैट इज़ नेशनल आयुष मिशन तो ये आयुष मिशन को अभी कंटिन्यू रख रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स ठीक है सो गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंटिन्यू दिस नेशनल आयुष मिशन विच इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो ये आपने थोड़ा सा दिमाग में रखना है This is a centrally sponsored scheme, right? So, uh, it is centrally sponsored scheme and also the project will have the cost of uh, around this much that is 4,603 uh, crore of which the center will be a 3,000 crore and state will bear, uh, will cover the rest of the cost. ठीक है और इसके लिए नए पोर्टल्स भी खोले जाने हैं ऑफ़ द आयुष सेक्टर वर आल्सो लॉन्च्ड ठीक है तो नेशनल आयुष मिशन के बारे में और एक्स्ट्रा आप पढ़ लीजिएगा दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर सिक्योरिटी एश्योरेंस डैम प्रोजेक्ट एट पटखोरी इन न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा तो ये यहाँ पे uh, इसको लॉन्च uh, किया गया बाय आर हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ठीक है सो इसके इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इतना डैम क्यों बनाया जा रहा है लेट्स टॉक अबाउट इट ठीक है अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि आ, जो स्प्रिंग सीजन के टाइम पे अरावली और शिवालिक हिल से जो वाटर आता है ठीक है सो वाटर जो फ्लो होके हो, आता है तो उस वाटर को कंजर्व करना है राइट बाय बिल्डिंग द डैम इट इज पॉसिबल टू कंजर्व दैट वाटर ठीक है तो उस वाटर को जब कंजर्व कर लिया जाएगा सो इट कैन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग एज वेल एज इिगेशन पर्पज एंड इट कैन बी यूज नॉट फॉर अ वाइल्ड बट थ्रू आउट द्रू आउट द ईयर राइट इवन आफ्टर द रेनी सीजन जैसे चला गया तब भी उस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है राइट right? सो so जैसे ही ये एश्योरेंस डैम ये बिल्ड uh, कर लिया जाएगा इसको बना दिया जाएगा सो दिस प्रोजेक्ट विल गोइंग टू मीट द नीड्स ऑफ नाइन विलेजेस ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट ठीक है नौ विलेजेस जो हैं उनके जो नीड्स हैं ड्रिंकिंग है इरिगेशन है उस उनकी नीड्स को पूरा करेगा अंडर विच टू टू फोर हेक्टेयर मीटर ऑफ वाटर विल बी स्टोर ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ठीक है सो ये बहुत ही अच्छा एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया जा रहा है और याद रखिएगा ये शोरेंस डैम न्यू न्यू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया गया है ठीक है ओके okay. और भी बहुत सारी हरियाणा की स्कीम्स है जैसे कि आप देखिए रेनी वेल स्कीम है उसके बाद इसके अलावा अंडर मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम भी है सो so, रेनी वेल स्कीम तो स्टार्ट कर दी गई है विद द अमाउंट ऑफ दिस मच टू तो ओवरकम द वाटर स्कासिटी इन द सदरन हरियाणा रीजन राइट तो ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए वेल यू आर राइटिंग इन द मेन्स और यू आर गोइंग टू अपेयर इन द प्रलम्स ऐसा एक सवाल बहुत आसानी से बन सकता है अंडर द मेरा पानी मेरा स्कीम फार्मर्स आर बीइंग गिवन दिस सेवन थाउजेंड पर एकर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सोइंग दी अल्टरनेट क्रॉप्स इन प्लेस ऑफ पैडी पैडी को अगर आप ग्रो कर रहे हैं इट्स वेरी गुड रेमोनरेटिव होता है पैसा आता है फार्मर्स के पास लेकिन इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल यू यू आर सपोज टू यूज़ अ लॉट ऑफ वॉटर ठीक है तो वो पानी जो है वो तैरता रहना चाहिए पाडी की फसल को जब उगाया जाता है तो उस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं और ग्राउंड वाटर डिप्लूशन होता है जो सॉयल सो, भी है वो भी सलाइन होती जा रही है तो इसकी इस इसके बजाय आप सेवन थाउजेंड रुपीज़ पर एकर फार्मर्स को दिए जा रहे हैं सो देट दे कैन सो ऑल्टरनेट क्रॉप्स ऑल्सो ठीक है ओके so नाउ okay. Let's talk about this news. This is uh, Sushma Swaraj Award. So recently, Chief Minister Manohar Lal Khattar of Haryana, while presenting the state's budget, has announced the Sushma Swaraj Award for the women for their significant achievement or contribution in the different walks of life in the international and national sphere. राइट right? क्योंकि देखिए सो खट्टर साहब ने क्या किया है इस अवार्ड को अनाउंस किया है ताकि उन लोग उन लेडीज़ को दिया जा सके या उन लोगों को दिया जा सके जिन्होंने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे ठीक है सो ये रिसेंटली अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया अब ये अवार्ड जो है इट विल कैरी एन अवार्ड मनी ऑफ फाइव करोड़ फाइव लाख रुपीज़ अलोंग विद दी कमेंडेशन ठीक है इसके अलावा सुषमा स्वराज वॉज अ लॉयर शी वॉज अ लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है इंडियन पॉलिटिशियन रही है ये ये काफ़ी टाइम तक सीनियर मेंबर रही हैं बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी इन्होंने इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ड्यूरिंग फर्स्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में दो हज़ार चौदह से उन्नीस तक जो रही उसमें ये एक्सटर्नल होम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रहीं और इन्होंने काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छे से इंडिया को रिप्रजेंट किया ऑन दी इंटरनेशनल रीना राइट इंदिरा गांधी के बाद अगर बात करें तो शी वॉज द सेकेंड वुमेन टू ऑक्यूपाई दिस पोजिशन कौन सी पोजिशन दिस पोजिशन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर राइट चलिए इनके बारे में कुछ और जानना जरूरी है बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया सोसाइटी इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया शी वॉज इलेक्टेड सेवन टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड थ्री टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्टिव असेंबली नाइनटीन सेवनटी सेवन की बात है जब ये पच्चीस साल की थी शी बिकेम द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा ठीक है ऑल्सो इन्होंने डेली का फिफ्थ चीफ मिनिस्टर जो था फिफ्थ चीफ मिनिस्टर शी वॉज दीफ मिनिस्टर ऑफ डेली गवर्नमेंट ठीक है और फॉर द ब्रीफ पीरियड मतलब ज्यादा टाइम फॉर द ब्रीफ पीरियड इन नाइनटीन नाइनटी एट शी ऑल्सो बिकम दिटीज फॉर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ठीक है और यूएस डेली वॉल स्ट्रीट जर्नरल क्या कहता है इनको हर इंडियाज़ बेस्ट लव पॉलिटिशियन ये यूएस का जो जनरल है उसने इस तरीके से इनको टाइटल दिया था इंडियाज़ बेस्ट लव्ड पॉलिटिशियन ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट अगेन एक और इम्पोर्टेंट हरियाणा का न्यूज़ है दैट इज़ कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ एडवेंचर टूरिज्म सेंटर इन विलेज दम दमा ठीक है सो ये जो विलेज है यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर ने लेट किया है फाउंडेशन स्टोन ठीक है रखा है फाउंडेशन स्टोन ऑफ एडवेंचर टूरिज्म सेंटर इन दिस पर्टिकुलर विलेज विच इज़ इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट इन ऑर्डर टू प्रमोट द टूरिज्म इन द स्टेट ठीक है तो टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इसके साथ साथ इन्होंने बेसिकली आ, दो दिन का हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवल जो है जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है बाय हरियाणा टूरिज्म एंड एरो क्लब ऑफ इंडिया उसको भी आ, बेसिकली उसकी भी शुरुआत की ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एडवेंचर टूरिज्म सेंटर सो इसको कहां establish किया जा रहा है ये आप याद रखेंगे और ये कहां पे है गुरुग्राम में है इतना क्लियर हो गया नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर यस yes, इसी के अंदर बात करते हैं ये जो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है सेंटर है इट विल बी डेवलप्ड ऑन अबाउट नाइनटीन एकर ऑफ़ लैंड एकर्स ऑफ लैंड फॉर विच हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ कॉर्डिनेटेड विद एरो क्लब ऑफ इंडिया ठीक है अब कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑल्सो इन ऑर्डर टू प्रमोट द टूरिज्म और उसके लिए अलग अलग चीज़ें की जा रही हैं फॉर एग्जाम्पल हरियाणा गवर्नमेंट प्लान किया है टू uh, ओपन to open 1000 nurseries in the state to motivate the children towards the sports from the very beginning theek hai ye jo nurseries hai they'll be established in the government as well as the private schools ye 1000 nurseries jo hai public uh, matlab मतलब government school mein as well as private school mein bhi set up ki jayengi Uh, बाकी तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में तो सेटअप की जा रही है and uh, children जो है अपने आप को physically, mentally strong कर सकते हैं इंक्लूडिंग द कैरेक्टर इन दीज नर्सरीज एंड इस तरीके से ओवरऑल उनका वेल well डेवलपमेंट होगा नेक्स्ट ओके सो एक नए चेयरमैन है आ, आ, उनको अपॉइंट uh, किया गया है और वो ऑर्गेनाइजेशन uh, कौन सी है दैट इज हरियाणा रिनीबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ठीक है सो हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में नए चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है और उनका नाम है स्वतंत्र कुमार सिंघल

इनका जैसे इन्होंने चार्ज लिया सो वॉट ही डिड इज़ इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस प्लान्स टू मेक हरियाणा एंड एंड ज्वाइनिंग एन सी आर रीजन कि हरियाणा और बाकी जो एन सी आर रीजन है वहाँ पर पल्यूशन फ्री रखना है उस जगह को फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पैडी स्टबल बर्निंग राइट एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज़्यादा बूस्ट करना है सोलर एनर्जी को बूस्ट करना है राइट right? और यू uh, नो you know कि स्टबल बर्निंग एक अभी भी मेजर प्रॉब्लम है ठीक है जैसे सर्दियाँ आती हैं वैसे ही आप देखते हैं स्टबल बर्निंग का शुरू हो जाता है प्रॉब्लम और इसकी वजह से डेली एन हरियाणा पंजाब ये जो जगहें हैं ये गैस चैम्बर बन जाती हैं दे बिकम द गैस चैम्बर राइट तो इसको मद्देनजर रखते हुए हरियाणा स्टेट ने एंड uh, uh, सिंगल साहब जो कि इस uh, इस ऑर्गेनाइजेशन uh, के हिस्से हैं हेड uh, uh, बने हैं तो दे ही बी टेकिंग ही बी इम्प्लीमेंटिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द अपकमिंग डेज इन ऑर्डर टू मेक दिस रीजन हरियाणा डेली एन सी आर रीजन पॉल्यूशन फ्री राइट एंड ओके नाउ एफर्ट्स विल बी मेड टू हार्नेस द सोलर एनर्जी फ्रॉम द स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स और ये जो एफर्ट्स हैं दे विल नॉट ओनली जनरेट द एम्प्लॉयमेंट ठीक है एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो गए हो बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्लीन एंड ग्रीन इकोनमी ऑफ द स्टेट अंडरस्टूड हो गया चलिए क्लियर ओके सो इन टूडेज क्लास दिस इज दिस इज़ वॉट वी हैव कवर्ड एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब थर्ड एंड फोर्थ वीक लेकर आएंगे एंड मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल एंड लाइक कीजिए इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली कॉमेंट एंड वी वुड लव टू आंसर यूर क्वेरीज ठीक है थैंक यू एंड कीप वो